चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था, राइट? अब क्वेश्चन दिया था, उसमें बताया था कि इंडक्शन हम लोगों को यहाँ यूज करना है। तो इंडक्शन यूज करने के लिए सबसे पहले मैं इसका जो स्फीयर्स है, स्फीयर्स की नेमिंग कर दे रहा हूँ, राइट? मान लो ये आउटर वाला जो स्फीयर है, ये आउटर वाला स्फीयर को ए मान लिया, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, राइट? तीनों की नेमिंग हो गई हमारी। इस नेमिंग के बाद अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो स्फीयर है छोटा वाला सी, इससे स्टार्ट करना है। ये प्लस वन यहाँ पे था, तो आपको समझाया था कि प्लस वन यहाँ पे जितना होता है, तो इस स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, राइट? तो प्लस वन, इस प्लस वन को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने को यहाँ पे कितना चाहिए होगा, इसके इनर पे चाहिए होगा -1 कूलम। इसके इनर पे अपने को कितना चाहिए होगा, -1 कूलम। Now, इस -1 कूलम के अंदर अंदर देखो क्या है, ये बी वाला जब आ जाएगा, तो बी वाला पे इंडक्शन की वजह से इस पे, इस साइड पे -1 कूलम है, तो इस साइड पे +1 कूलम आएगा, राइट? और ये -3 प्लस 1 कूलम, -3 प्लस 1 कूलम मिल करके नेट जो आएगा इस पे, वो नेट कितना आ जाएगा, तो नेट हमारा आ जाएगा -3 प्लस 1, दैट इज -2 कूलम। आप यहाँ पे इस पे लिख सकते हो कि ये इस दोनों को मिला करके क्या आ गया, -2 कूलम, ठीक है? अब ये -2 की वजह से इसमें इंडक्शन होगा जो आउटर वाला है, तो आउटर वाला है उसमें इंडक्शन होगा, तो आउटर ये -2 कूलम की वजह से इसके अंदर कितना आएगा भाई, तो +2 कूलम का आएगा चार्ज, ठीक है? +2 कूलम। नाउ सेम चीज, इसके अंदर टोटल +5 है और यहां पे कितना है, +2 है। तो इस +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके आउटर मोस्ट पे कितना आया, तो आउटर मोस्ट पे आएगा -2 कूलम, ठीक है? तो अब हम लोग का सॉल्यूशन फाइनल कहां से होगा, सी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सी के देखो इनर में, सी का अगर आप इनर देखोगे अंदर, तो अंदर तो जीरो है, सी ऑफ आई विल बी जीरो, राइट? और लास्ट में क्या हो गया हम लोग का, कि यहाँ पे सी आई जो हो गया वो कितना हो गया, जीरो। और सी आउट यानी सी के आउटर में जो होगा वो कितना होगा, आउटर में जो होगा वो कितना, ये तो दिया हुआ था ऑलरेडी, ये +1 कूलम। फिर बी पे देखेंगे, तो बी के इनर पे कितना था इंडक्शन की वजह से, -1 कूलम। बी के आउटर में, तो आउटर में -3 प्लस 1, दैट इज -2 कूलम। अब बी का जो आउटर था उसका जस्ट ऑपोजिट होगा ए के इनर में, ए के इनर में -2 प्लस, तो -2 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 कूलम। और ए के आउटर में कितना होगा भाई, तो ए के आउटर में इस +2 का ऑपोजिट को ऐड कर देंगे, तो +5 माइनस 2, दैट इज +3 कूलम, ठीक है? क्या यहां तक क्लियर है सबको? हाँ, नहीं, इनर सरफेस पे चार्ज रहेगा भी नहीं, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर चार्ज रहता ही नहीं है, जो भी चार्ज होगा नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। चलिए अब आगे एक नया टॉपिक पे आते हैं हम लोग। आज का जो नया टॉपिक है ये ओनली फॉर कॉम्पिटिशन्स है, आपका बोर्ड्स में नहीं है, चाहे वो जैक में हो या सीबीएसई में हो, ठीक है? ऑल्दो जैक सीबीएसई में आपका इस पे न्यूमेरिकल पूछ चुका है, बट हम लोगों को यूजुअली ये आपका नहीं पूछता है, ठीक है? तो बोर्ड्स में नहीं आएगा, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन हम लोग को ये देखना है। टॉपिक है हमारा चार्ज शेयरिंग, ठीक है? चार्ज शेयरिंग, अगर हमारे पास दो स्फीयर रहेगा तो वो आपस में एक दूसरे से चार्ज कैसे शेयर कर सकते हैं, वो चीज हम लोगों को देखना है। सबसे पहले हम लोग ये चीज देख के चलते हैं कि देखिए, दो हम लोगों ने स्फीयर, इस पे आपको दो स्फीयर के क्वेश्चंस मैंने दिए थे, हम लोग को स्टिल फिर से वापस से दो स्फीयर्स लेने हैं, ठीक है? दो कंडक्टर्स मान लो ले रहे हैं हम लोग। और अभी क्या है कि
ये मान लो दो स्फीयर है, एक का साइज बड़ा है और एक का साइज छोटा है, ठीक है, और ये दोनों कॉन्सेंट्रिक एक दूसरे में, ठीक है। और स्टार्टिंग में क्या हो रहा है ना कि देखो इसको पहले यहां पे समझना बहुत जरूरी है। अभी दोनों के पास चार्ज है, ठीक है, दोनों का रेडियस और चार्ज और सारा कुछ आपको दिया हुआ है। दोनों इस पे चार्ज मान लो Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, ठीक है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं। और इसका जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल क्या है, V1 है, और इसका जो बाहर वाले का पोटेंशियल है, ये बाहर वाले का, ये रेडियस आप ले लो पहले, इसको रेडियस ले लो, ठीक है, रेडियस R1, और ये जो रेडियस होगा हमारा क्या, ये R2, और ऑब्वियसली R2 इज ग्रेटर देन R1, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो कि R2 जो है वो ग्रेटर देन R1 है, राइट। अब बाहर वाले का जो पोटेंशियल है, इसको मैं V2 मान के चल रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल V2 है, और अंदर वाले का पोटेंशियल V1 है। आप लोग बताओगे कि V1 बड़ा होगा या V2, विच वन इज ग्रेटर, V1 और V2? आपको यहाँ पे पता है ऑलरेडी कि जो R2 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे R2 दिख रहा होगा सबको, R2 इज ग्रेटर देन R1। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा बड़ा होगा, V2 बड़ा होगा या V1 बड़ा होगा? ऑब्वियसली V1 बड़ा होगा। बोलोगे कैसे सर, तो V जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको याद हो फॉर्मूला कंडक्टर के लिए मैंने बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में V=KQ/R होता है, राइट, ये जस्ट उल्टा हो जाता है। R2 इज ग्रेटर देन R1, तो V2 इज लेस देन V1, यानी कि V1 का पोटेंशियल ज्यादा है किससे, V2 से। और यहाँ पे फर्स्ट केस में आप निकाल सकते हो कि V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V1 का वैल्यू हो जाएगा KQ1/R1, ठीक है, और जो V2 का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा KQ2/R2, राइट। Now, अब क्या होता है कि हम लोग इस दोनों स्फीयर्स को, ठीक है, इस दोनों स्फीयर को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया वायर से, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर ये वायर से कनेक्शन होगा तब क्या होगा, मान लो हमने इस दो स्फीयर को लिया, सेम चीजें हैं, अब सेम चीजें यहां पे भी है, और इसमें बस क्या कर रहे हैं हम लोग, रेडियस तो इसका वही रहेगा, रेडियस का तो कोई लफड़ा है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या चीजें चेंज हो रही है, चेंज क्या होगा सो समझना, ठीक है। हमने एक वायर लिया, ठीक है, और इस वायर से इस दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं कि क्या इसका चार्ज, पहले तो रेडियस तो आपका सेम ही रहेगा, तो रेडियस सेम रहेगा, तो मैं सवाल ये है कि क्या दोनों पे चार्ज अभी भी Q1 और Q2 रहेगा, स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 रहेगा, बताओ। मेरे सवाल को सही से समझो, स्टार्टिंग में हमने दो कंडक्टर्स लिए, दोनों कंडक्टर्स का R1 और R2 था, रेडियस पोटेंशियल था V1 और V2, एक वायर लिया, वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, देखो होता क्या है, ठीक है, सबको यहां पे ध्यान से रखना, मेरी बात को समझना, ठीक है, कि क्या होगा कि चार्ज सेम कभी नहीं होगा। हाँ ये जरूर हो जाएगा कि दोनों का पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल विल बी इक्वल। अब बोलोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, तो चार्ज हमेशा, ठीक है, ये था बिफोर कनेक्टिंग, ध्यान से मेरी बात को समझना, ये कंडीशन जो है फर्स्ट वाला, ये था बिफोर कनेक्टिंग, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये कौन सा कंडीशन है, तो ये हमारा बिफोर कनेक्टिंग, और जो सेकंड वाला केस हमने लिया है ये आफ्टर कनेक्टिंग विथ वायर, आफ्टर कनेक्टिंग विथ वायर। तो चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है,
तो चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब आप बताओ कि हायर में कौन था, देखो इसको देखो यहां पे, हायर में कौन सा था, अभी आपने खुद बोला था हायर पोटेंशियल कौन सा था, अभी जस्ट आप लोगों ने निकाला V1, राइट, यानी कि चार्ज V1 से फ्लो करना शुरू होगा और V2 ये अंदर वाले स्फीयर से चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, और बाहर वाले स्फीयर में आएगा। आखिर कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो, सेम नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चार्ज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ध्यान रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज फ्लोस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फिर फ्रॉम हायर पोटेंशियल, फ्रॉम वन पॉइंट, वन पॉइंट का मतलब कहां से, हायर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल टू अनदर, अनदर जो दूसरा पॉइंट होगा वो क्या होगा, लोअर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, टिल पोटेंशियल ऑफ बोथ पॉइंट्स, पोटेंशियल ऑफ बोथ पॉइंट्स बिकम इक्वल, बिकम्स इक्वल, ठीक है, बोथ पॉइंट्स बिकम्स इक्वल। नाउ अब क्या होगा कि दोनों का पोटेंशियल तो बराबर हो गया भाई, ठीक है, जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक, अब तो इक्वल हो गया पोटेंशियल, तो इक्वल पोटेंशियल, तो अब तो हम लोग मान सकते हैं ना कि V1 is equals to V2, तो मान लिया V1 is equals to V2 is equals to V, बट क्या चार्ज सेम होगा बताओ, क्या चार्ज अभी Q1 Q2 रहेगा, चार्ज अभी भी Q1 और Q2 नहीं रहेगा, अभी पोटेंशियल अलग है तो चार्जेस अलग होंगे, तो हम लोग मानते हैं कि पोटेंशियल जब इक्वल हो गया, जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया, तो हम लोग लेके चल रहे हैं कि इस वाले पे, बाहर वाले पे चार्ज जो था वो कैपिटल Q2 हो गया, ठीक है, और अंदर वाले पे, अंदर वाले पे चार्ज कितना हो गया, कैपिटल Q1 हो गया, ठीक है। अब यहां पे मैटर ये करता है, मैटर ये क्या करता है कि मुझे एक बात बताओ कि क्या जितना चार्ज इसमें टोटल चार्ज अगर लेंगे, मान लो ठीक है टोटल चार्ज इसमें 5 कूलम था, तो क्या इसमें टोटल चार्ज चेंज होगा, क्या टोटल चार्ज चेंज होगा या नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब है कि मान लो पहले इसमें प्लस 5 कूलम था, ठीक है, और इसमें प्लस 9 कूलम था, तो टोटल हो गया 14 कूलम, तो क्या इसमें 14 कूलम से ज्यादा होगा या 14 कूलम से कम होगा, ये मैं कहना चाह रहा, ध्यान से सोच के बोलिएगा, चार्ज ऑलरेडी चेंज हो चुका है, लेकिन मेरा सवाल ये है क्या कि टोटल चार्ज चेंज होगा, टोटल चार्ज विल बी सेम, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्या है, चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करता है, तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हो, हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि क्यू वन प्लस Q2, चलो इसको तो अभी हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, बट ठीक है Q1 पहले ही कंक्लूड कर दे रहा हूं मैं, Q1 प्लस Q2 ये हमेशा किसके बराबर रहेगा, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, ठीक है, और इसको मैंने मान के चला कि ये कैपिटल Q के बराबर, टोटल चार्ज कितना था, कैपिटल Q के बराबर, ध्यान रखिएगा इसको कि चार्ज को हम लोग ना क्रिएट कर, पहले ही बताया था चार्ज के प्रॉपर्टीज में चैप्टर 1 में कि चार्ज को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो पेयर्स में एग्जिस्ट करता है बस, ठीक है। तो अभी हम लोगों का क्या हो गया, जो नया पोटेंशियल V1 होगा, ध्यान से यहाँ पे देखना, नया पोटेंशियल जो V1 होगा वो क्या हो जाएगा, KQ1 by R1, now
साथ में नया पोटेंशियल जो वी टू होगा वो क्या होगा, के क्यू टू बाई आर टू, साथ में ये दोनों पोटेंशियल तो बराबर है, तो आप यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हो, तो यहां से देखो तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि वी वन इज इक्वल टू वी टू था ना, तो वी वन इज इक्वल टू वी टू, तो के क्यू वन, सो के क्यू वन बाई आर वन इज इक्वल टू के क्यू टू बाई आर टू, ठीक है। यानी कि आपने यहां से एक चीज कंक्लूड किया, के कैंसिल आउट, के और के क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचेगा Q1 by R1 is equals to Q2 by R2, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कॉम्पिटिशंस में इसमें दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है कि अगर कोई दो स्फीयर्स, दो कंडक्टर्स लेते हैं, दोनों को अगर हम लोग वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो दोनों के चार्ज का रेशियो क्या होता है और दोनों का रेडियस दिया हुआ रहता है, तो Q1 by Q2 आप यहां से नहीं निकाल लोगे, क्या यहां से Q1 by Q2 निकलेगा या नहीं निकलेगा उसको बताओ, बताइए क्या यहां से Q1 by Q2 निकलेगा नहीं निकलेगा, तो यहां से Q1 by Q2 आप निकालोगे तो हमारे पास आएगा R1 by R2, ठीक है। क्या यहां तक ये कॉन्सेप्ट सबको, चार्ज शेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहां तक सबको क्लियर हुआ, सबका जवाब अभी नहीं आ रहा है, जिनको क्लियर है यस करें। चलो ओके, मैक्सिमम लोगों को क्लियर है। नाउ इसके बाद क्या सिर्फ हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं, नहीं, हम लोगों के पास बहुत सी और भी चीजें हैं, जैसे बहुत बार ये पूछ देता है क्यू टू का वैल्यू क्या है रेडियस के बिना, ठीक है, कभी कभार रेडियस मतलब रेडियस के टर्म्स में आपको बोलेगा कि क्यू टू एग्जैक्ट क्यू टू का वैल्यू क्या है, रेशियो नहीं पूछेगा, तो एग्जैक्ट क्यू टू का वैल्यू या एग्जैक्ट क्यू वन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग और भी चीजों को फॉलो करते हैं, और क्या मेथड्स है आइए देखते हैं, ठीक है। देखो आपने क्या निकाला, आपने यहाँ पे देखा कि Q1 by R1 is equals to Q2 by R2, तो हम लोग तो ये भी तो लिख सकते हैं Q1 by Q2 is equals to R1 by R2, ठीक है, अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखो, अभी जस्ट यहाँ पे देखा Q1 by R1 equals to Q2 by R2, तो Q1 by Q2 is equals to क्या हो जाएगा R1 by R2, होगा ना, यहाँ पे मैंने लिखा Q1 by Q2 is equals to R1 by R2। अब क्या कर रहे हैं भाई, तो अब देखो यहाँ पे दोनों साइड में प्लस वन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, Q1 by Q2, अब बोलोगे सर प्लस वन ही क्यों ऐड किए, प्लस वन इसलिए ऐड किया क्योंकि ऊपर सम आ जाएगा Q1 plus Q2 का, और Q1 plus Q2 का सम जब आ जाएगा तो वहां पे हमारा टोटल चार्ज बन जाता है वो, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे Q1 by Q2 आया तो ऊपर क्या आ गया Q1 plus Q2 divided by what? Divided by Q2 and this one will be what? R1 plus R2, R1 plus R2 divided by what? Divided by R2। अब बताओ ये Q1 plus Q2 क्या था? ये Q1 plus Q2 को अभी क्या माना हम लोगों ने? Total charge Q। तो हम लोग इसको टोटल चार्ज, थोड़ा सा इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग वी कैन चेंज, हम लोग इसको इनवर्स भी कर देंगे तो कोई चेंज फर्क नहीं पड़ेगा, Q2 की वैल्यू हो जाएगी तो Q2 by लिखेंगे Q2 by Q1 plus Q2 is equals to R2 by R1 plus R2। Now Q1 plus Q2 को हम लोग क्या लिखते हैं, Q लिखते हैं, तो Q2 by capital Q is equals to R2 by R1 plus R2, और ये final जो हमारा Q2 का value आएगा वो Q2 का value आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, तो Q times of R2 by R1 plus R2, ठीक है,
अंशु आपको क्लास करना है तो आप उठ के क्लास करो। अंशु आप अंशु के फोन से कौन क्लास कर रहे हैं? आपका वीडियो ऑन है और प्लस यूट्यूब पे जाता है वीडियो, वीडियो ऑफ करो। ये देखो नालायकों को फैन दिखा रहे हैं। क्यू आर टू ये आ जाए, क्यू टू इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ आर टू, ठीक है। और क्यू टाइम्स ऑफ आर टू आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू टाइम्स ऑफ आर टू और नीचे डिवाइड में आर वन प्लस आर टू। तो फाइनल ये हमारा क्यू टू का वैल्यू हुआ, फाइनल ये हमारा क्यू टू का वैल्यू हुआ किसके टर्म्स में, कम टोटल चार्ज के टर्म में। कैपिटल क्यू क्या था, कैपिटल क्यू था टोटल चार्ज के टर्म्स, ठीक है, टोटल चार्ज और रेडियस के टर्म्स में, ठीक है। चलो अच्छा आप लोग बताओ कि अगर मैं Q1 निकालना चाहूं, आप ही लोगों से सवाल है, अगर मैं Q1 निकालना चाहूं तो इस पूरे चीज में क्या चेंज होगा, सो बताओ इस पूरे फॉर्मूला में क्या चेंज होगा। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे सिमिलरली लिखूंगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं करना चाहूं तो Q1 की क्या वैल्यू होगी, सिर्फ एक चीज चेंज होगा, हाँ ठीक है जय आपका, बाकी लोग ठीक है, मुनमुन राशि का भी ठीक है प्रियांशु, सिर्फ एक चीज चेंज होगा, ओनली वन थिंग। नहीं नहीं कुणाल, Q2 नहीं होगा, Q2 क्या ही तो पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ Q2 की जगह पे वो Q1 तो है ही नला, एक फॉर्मूला क्या चेंज होगा, Q2 की जगह तो Q1 होगा ही, ठीक है विक्रम, ठीक है करण, ओनली थिंग इज R2 की जगह पे R1 आ जाएगा। सिमिलरली आप लोग करके देखना, Q1 का ये कैपिटल Q ही रहेगा, R2 की जगह पे आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका Q टाइम्स ऑफ R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये जितने भी फॉर्मूलास करवा रहा है बाबू सब ध्यान रखना, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। चार्ज की वैल्यूज भी हमने निकाल ली, ठीक है, अब तो हमने चार्ज का वैल्यूज भी निकाल लिया कि Q1 कितना होगा। हमेशा ये क्वेश्चन भी आता है कि आपका टोटल चार्ज दिया हुआ रहेगा और टोटल चार्ज दे करके कनेक्ट करने के बाद सेकंड वाले स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, फर्स्ट वाले स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। क्या यहां तक सबको क्लियर? ओके मैक्सिमम लोगों को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अभी थोड़ा सा भी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हम लोगों ने क्या देखा था भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता, ई की वैल्यू आपने देखा था कंडक्टर के लिए लिखवाया था कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता। तो अभी दो पोटेंशियल्स थे तो दोनों की जगह पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इसी तरह अगर आप E1 निकालोगे तो E1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, E1 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह E2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, E2 का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, E1 बाय E2 का वैल्यू याद रखना है, क्योंकि E1 बाय E2 का भी फॉर्मूला पूछता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है किस पर डिपेंड करता है, तो E1 बाय E2 का जो रेशियो होता है वो होता है सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, ठीक है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी फॉर्मूला ब्लॉक कर रहा हूं सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने और उसका कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब पोटेंशियल अगर आपको याद हो तो हमने बहुत पहले मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, सिंपल सा
वी ई वी और आर के बीच क्या रिलेशन था? सिंपल रिलेशन जो सबसे पहला बताया था क्वेश्चन में, मैंने आपको ई दिया था और वी दिया था और दोनों के बीच का रिलेशन निकालने बोले, ई वी और आर के बीच क्या रिलेशन? What is the relation between electric field potential and radius? Anyone? बताइए, किसी को याद नहीं? नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है जी, सोचिए थोड़ा सा और। सिंपल सिंपल रिलेशन पूछ रहा हूँ मैं, ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है विक्रम, ठीक है तनीष आपका भी ठीक है। यस एग्जैक्टली, ई इज इक्वल टू वी बाय आर, सिंपल रिलेशन, एकदम सिंपल रिलेशन की जब बात करेंगे तो आपको पता है ना, स्फीयर के केस में ई की वैल्यू जो होती थी वो क्या होती थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट right? और v का क्या वैल्यू होता था, के क्यू बाई आर। आप यहां से नहीं निकाल सकते हो क्या, e इज इक्वल टू वी बाई आर, यही तो था सिंपल रिलेशन, है ना? सिंपल मैं रिलेशन की जब बात करूं तो सबसे सिंपल रिलेशन आपके यही था, ठीक है? तो यहां से अभी हम लोगों को क्या करना है ना, कि आप यहां से देखो, आप लिख सकते हो कि e इज इक्वल टू वी बाई आर अगेन, ठीक है? चलो मैं अगेन दूसरा से स्टार्ट कर रहा हूं। आपके पास क्या था, E इज इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है? E इज इक्वल टू वी बाय आर, सो V इज इक्वल टू व्हाट, ई आर। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी E1 टाइम्स ऑफ R1, और V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 की वैल्यू हो जाएगी E2 टाइम्स ऑफ R2, है ना? नहीं, अब क्या करोगे, दोनों का रेशियो ले लो, ठीक है? तो दोनों का रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा, V1 by V2, ध्यान से समझना इस चीज को, V1 by V2 is equals to E1 R1 divided by E2 R2, होगा ना? और E1 by E2 का रेशियो तो आप पहले ही निकाल चुके हो, E1 by E2 का रेशियो क्या निकालो, sigma 1 by sigma 2, this implies V1 by V2 का जो रेशियो होगा वो होगा sigma 1 R1, E1 by E2 की रेशियो मैंने पुट कर दी, by sigma 2 R2, ठीक है? और ये सवाल आपका नीट में आया हुआ है, ठीक है? पोटेंशियल का रेशियो निकालने बोला था आफ्टर कनेक्टिंग, ठीक है? दो आपको वायर्स दिए हैं, दो कंडक्टर्स दिए हुए थे, दोनों को वायर्स से कनेक्ट कर दिए, और उसके बाद जो उसका चार्ज का रेशियो था, रेडियस दिया हुआ था एक्चुअली, जो चार्ज नहीं, ये आपका सिग्मा का रेशियो था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो कितना, मतलब कैसे निकाल देंगे? तो वी वन बाई वी टू जो पोटेंशियल का रेशियो होता वो सिग्मा के टर्म्स में, मल्टीपल चॉइस में आंसर था तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी था, ठीक है? क्या यहां तक क्लियर सबको, बताओ यस और नो करके बताओ सब, चलो ओके, सबको क्लियर है यहाँ तक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और सबसे, मतलब इस टॉपिक के अब एंड की ओर पहुंच रहे, समझ लो। आफ्टर कनेक्टिंग जो हमने देखा था, आफ्टर कनेक्टिंग हमने क्या देखा था, कि दोनों का पोटेंशियल बराबर था, राइट? आफ्टर कनेक्टिंग, आफ्टर कनेक्टिंग आपने देखा कि वी वन इज इक्वल टू वी टू, है ना? तो वी वन इज इक्वल टू वी टू, दिस इंप्लाइज वॉट, this implies V1 by V2 is equals to 1, right?
और v1 by v2 अभी जस्ट आपने फाइंड किया, देखो v1 by v2 क्या था, sigma 1 r1 by sigma 2 r2, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो sigma 1 r1 by sigma 2 r2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। दिस इंप्लाइज sigma 1 r1 इज इक्वल्स टू sigma 2 r2। ठीक है, क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बताओ। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को, नहीं, चलो ठीक है। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, देखो तो एक चीज और, sigma 1 by sigma 2, ध्यान से, sigma 1 by sigma 2 इज इक्वल्स टू r2 by r1 इज इक्वल्स टू r2 by r1, है ना। और अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला sigma 1 by sigma 2 निकाला ना, तो sigma 1 by sigma 2 क्या r2 by r1 आया। तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास इक्वेशन बनेगा या रेशियो बनेगा, वो आएगा e1 by e2 इज इक्वल्स टू sigma 1 by sigma 2 इज इक्वल्स टू r2 by r1। ठीक है, और ये फाइनल अपने को ये वाला भी रिलेशन याद रखने का जरूरत है। ठीक है, जितनी भी चीज है, जितना भी अभी चीज करवाया, सब क्वेश्चन में आ चुका है, मैंने कॉन्सेप्ट करके बताया और ये सारा ही चीज आपका एज अ क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि मैं बहुत सारा टॉपिक जो एज अ क्वेश्चन आता है वो मैं एज अ टॉपिक करके आपको पढ़ा देता हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर सबको, कितने लोगों को क्लियर नहीं है, सबका जवाब अभी भी नहीं आया है, यस और नो करके जवाब दीजिए मोर ऑप्शन में जाके। चलिए ओके, सबको रिज्वाइन कीजिए सेम लिंक पे।